प्रकृति जब अपने रौद्र रूप पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। ऐसा ही हो रहा है केरल और उत्तराखंड के साथ। केरल और उत्तराखंड में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। यूं तो पूरे देश में ही बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बादल का सबसे ज्यादा कहर केरल और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आशर पांडे और आप देख रहे हैं इन खबर। जी हाँ, उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत ज्यादा कोहराम की स्थिति है। भारी बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उत्तराखंड का अंतिम स्टेशन भी बारिश की वजह से बह गया। जी हाँ, उत्तराखंड का अंतिम स्टेशन बारिश की वजह से बुरी तरीके से तहस नहस हो गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा पानी में बह गया है। इसकी वजह से रेलवे प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। इससे पहले भी उत्तराखंड के एक बाईपास के बहने का एक वीडियो सामने आया था। उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रकृति अपना रौद्र मंजर दिखा रही है, उससे सभी डरे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और आने वाली भयंकर स्थिति को देखते हुए चार धाम की यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही देहरादून के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। केरल की स्थिति की बात करें तो केरल में भी स्थिति अच्छी नहीं है। केरल में भी बाढ़ में करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और केरल की स्थिति का जायजा लिया है और लोगों को राहत और बचाव कार्य का आश्वासन दिया है। राज्य सरकारों द्वारा भी राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन फिर भी प्रकृति के रौद्र रूप से स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।